शर्म नहीं आती मेरे को इंडिया में आने से किशन आने की खुशी की में किशन आने की पास पार्टी रखी हुई है। देखो तेल हमारा गर्म हो गया, खड़े मसाले सारे प्याज लहसुन पेस्ट डालेंगे इसमें, आप डालेंगे नमक, हिंग पाउडर है ये बिरयानी मसाला आ जाए। आप उठ के आए हैं उधर पापा वीडियो ले किशन, ओए किशन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा, शर्म नहीं आती मेरे को आज ये हमारे इंडिया में पुष्पा रहे हैं, इसके इंडिया में आने से हमने दावत ये पार्टी रखी है क्योंकि किशन अमेरिका से आया है, तो इसके लिए हमने गांव को और हमारे हार्वेस्टिंग चल रही है और उन लेबर के लिए भी हमने एक पार्टी रखी हुई है। ये पार्टी यहाँ सो रही है, जो अभी तक अभी सोया हुआ है उठ तेरे लिए, देख सुबह से नींद ही पूरी नहीं होती। मेरी शक्ल दिखाओ, मेरी शक्ल दिखाओ, ये देखो ये मेरी हालत है। मैं सुबह से काम कर रहा, बकरा काट रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ, टमाटर काट रहा हूँ और ये देखो यहाँ पे। चल कुछ वो उठ भी ले, उठता हूँ थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर नहीं है, चल इसको सोने दे, इसको सोने दे, तब तक हम थोड़ा सा आगे, तब तक तैयार करते हैं माल, माल तैयार करने में। ये लगी हुई है हमारी, अच्छा ये टेरिस है हमारी, ये देखो ये टेरिस है, टेरिस का बना हुआ है मेगा किचन। हाँ और ये हमने बना दिया उसको मेगा किचन। तो आज किस चीज की रेसिपी बन रही है? आज स्पेशल 35 kg की बिरयानी बनेगी और भाकरी और रस्सा, मतलब गांव वालों के मजे है नी। ये हमारा छोटा सा गांव है, बहुत लोगों को पता होगा, सब वैसे तो जानते हैं ज्यादातर। और ये आगे समुंदर है हमारा, अरे ये देखो टेरिस के ऊपर ये है समुंदर, समुंदर नहीं तालाब है वैसे, है ना, कितना बढ़िया है नजारा है, पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे ये पानी है हमारा, जो झील इसे बोलते हैं, और झील के बाजू में अपना घर, आगे के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल खा लो, पानी पी लो, जो मर्जी करो, अच्छा है। चलो इसके लिए हम आज तैयार करते हैं बिरयानी पार्टी और विलेज और लेबर के लिए। बिल्कुल किशन आने की खुशी की में, किशन आने आज पास पार्टी रखी हुई है, जिसकी खुशी है वो खुद ही सो रहा है, वो सो रहा भाई, चल सोने दे, हम तैयार तो करते हैं, चलो तब तक तैयारी करते हैं। तो उसके लिए ये 35 kg मीट लिया हुआ है, ये मीट है 35 kg मटन, मटन और ये चर्बी है, वो चर्बी अलग कर रखी है, वो तो तेल के अंदर हम नहीं पकाएंगे उसको। उसके बाद ये प्याज ले रखा 10 kg, ओके हाँ 10 kg प्याज है और 15 kg की बिरयानी है। अच्छा मतलब चावल सिर्फ 15 kg डाल, 15 kg चावल की बिरयानी है, मटन ज्यादा है, मटन ज्यादा है और उसके साथ हमने भाकरी बनाई है, भाकरी। हाँ तो बहुत बार क्या होता है ना, चावल के अंदर मटन ढूंढते रह जाते हैं, मटन नहीं मिलता, वो सिस्टम नहीं होगा। तो उसके लिए हमने भाकरी भी अलग से रस्से के साथ रखी हुई है, तो ये हमने रखा है तेल। तो ये रेसिपी आप दिखाओ, कंटिन्यू करो सबके साथ, कंटिन्यू करेंगे ये रेसिपी, क्योंकि आप भी किसी को दावत देनी हो ना तो दावत आप ले सकते हो ऐसे ही। तो सबसे पहले तेल डाला हुआ है, तो ये प्याज डाल दिया हमने, तो उसके बाद हम डालेंगे मटन। हाँ ये क्या भाई, ओहो लोगों को नहीं पता लगे, हम भी नहीं आपको बताएंगे। और ये बड़ा नमक होता है, इसके ऊपर डालेंगे हम हल्दी और पानी डाल के इसको अच्छी तरह घुमाएंगे, बीच बीच में घुमाते रहना चाहिए। ओ ये गुड़िया भी आ गई हमारे स्कूल से, ये क्या हा? ये टमाटर और टमाटर की पेस्ट, अच्छा टमाटर की पेस्ट बनाई है। और ये टमाटर काट के लाए, ओ ये सूखे में डालेगा, हाँ खाके चक्कर मीठा है, मीठा है ठीक है। टिफिन खत्म किया उसने, अच्छा स्कूल में टिफिन खत्म किया हमारा ऊपर का गार्डन दिखा देते हैं, ये देखो इसमें कितने फूल लगे हुए हैं, ये देखो। और ये देख टाइम हो गया इसका 4 बजे का, और 4 बजे के बाद ये ऑटोमेटिक ही है पेड़ को पानी लगना शुरू हो जाता है, ये देखो। और ये अलग अलग फूल लगे हुए हैं, ये गुलाब का फूल है। यहाँ जो है ना, हम पानी देने के लिए नहीं आते यहाँ पे,
लेकिन एक चीज हमारे बेटे ने ऐसी लगा रखी है, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे ऑटोमेटिक ही पानी गिरता रहेगा। ये देखो ये चीज, ये क्या चीज है बेटा? ये वही टाइमर है। अच्छा, टाइमर है और इसके अंदर वॉल्व है, ऑटोमेटिक उस टाइम पे चालू हो जाता है। चालू हो जाता है तो हर पेड़ को ये पानी अपने आप गिर जाता है। देखो तेल हमारा गर्म हो गया, खड़े मसाले सारे, प्याज लहसुन पेस्ट डालेंगे इसमें, आप डालेंगे नमक, हिंग पाउडर है ये बिरयानी मसाला जो है, धनिया पाउडर, ये कोपा हमने पिसा हुआ है अब वो डाल रहे हैं, ये जो मीट का जो पकड़ रहा था उसका पानी डाल, इसके ऊपर डालते हैं। अब टमाटर, ये है पुदीना, बड़ा मसाला है, ये डालते हैं इसके ऊपर, और पिसा हुआ जीरा है, ये है बिरयानी का राइस, इसको पकाएंगे। ओ मस्त मस्त, ये तेल डाल दिया है और प्याज भी अभी अच्छी तरह भूनेंगे हम, टमाटर प्यूरी, हल्दी, कांदा मसाला, नमक, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, कोपा, ये तिल और भुना हुआ जीरा, और ये है खसखस, धनिया, पानी डाल के ये मसाला अच्छी तरह पकाएंगे। और ये है मटन मसाला, और ये मसाला जो मीट पका था उस रस्से में डाल देंगे, और ये बन गया हमारा रस्सा भाकरी। ओ अब उठ के आए हैं और सारा माल तैयार हो गया है, अब ये हम थोड़ा सा स्पेशल बनाने जा रहे हैं, ये हमारा मीट पक गया है, अब इसका थोड़ा स्पेशल मसाला बनाएंगे। ये तेल डाल दिया, अब ये डाल दिया इसके अंदर साफ प्याज, अब ये सूखा बनेगा इसके अंदर, टमाटर भी अच्छी तरह भुनेंगे, अब डाल रहे नमक, अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कांदा मसाला, ये धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छी तरह भुनेंगे, जीरा पाउडर, खसखस, ये खोपा, सफ़ेद तिल, अब इसके अंदर मीट मिक्स करेंगे, और ये हो गया हमारा गार्निशन। पापा वीडियो ले हो गया, मैं मेरी नींद पूरी हो गई है, यहाँ पे मटर खाया जा रहा है। अच्छा कैसा? अच्छा गेस्ट ना अभी आने वाले हैं, तब तक ये स्टार्ट आउट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर लिया, गेस्ट आने पहले भाई जो बांट रहा है कहीं का ऐसा हो कि उसके मुंह में पानी आता रहे। और कैसा रहा ये? मस्त है, बस बड़ा बढ़िया बना है। नीचे हमारे यहाँ पे रहता है कि पहले जो औरतें हैं जिन्होंने व्रत रखा है आज के लिए, पहले उनको अलग ही लाते हैं, तो हमने उनके लिए अलग से लिया, फिर खाया, ठीक है, इसके दुआ के लिए व्रत रखा हुआ है। ऑल सेट, ठीक है, तो हमने सिर्फ टेस्ट किया है। चलो थकी बिरयानी है, ये हमारे खास मेहमान आए हुए हैं यार, तात्या कसे झाले जेवण, कसे झाले व्यवस्थित झाले ना, काय कमी पेशी काय 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 नाही ना, व्यवस्थित झाले अशोक, एक नंबर आहे पंत, काय घ्या घ्या, काय कमी पेशी असले तर सांगा ऋषी, अरे मटन पेशी एक नंबर झाले, बर 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 चालते, वाटपी वाटपी इकडे एकनाथ